बार फिर से स्वागत हो गया एक नए मैच के प्रेडिक्शन वीडियो में। और आज का मैच जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, जो दोस्तों पहला T20I मैच जो कि दोस्तों खेला जाने वाला है 1 दिसंबर 4:30 PM यानी कि दोस्तों दोपहर के बाद। और ये मुकाबला भी उसी ग्राउंड पर खेला जाएगा जहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही टीम 3 ODI मैच खेल करके आ रही है, यानी कि क्वीन स्पोर्ट क्लब बुलावायो जिम्बाब्वे के पिच पर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज के इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से आपको सारे के सारे युवा प्लेयर खेलते हुए नजर आने वाले हैं, ठीक है। एंड जिम्बाब्वे की तरफ से दोस्तों कहीं ना कहीं जो ओल्ड प्लेयर है T20 फॉर्मेट के, वो दोस्तों बैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे प्लेइंग 11 क्या होगी, एंड साथ साथ दोस्तों फिर यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर एंड बॉलिंग ऑर्डर क्या रह सकता है इस पहले मैच में, एंड फिलहाल कौन सा खिलाड़ी फर्स्ट इनिंग में बढ़िया कर सकता है, कौन सा खिलाड़ी सेकेंड इनिंग में, एंड मेगा ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग की टीम दोस्तों कैसे बनाएंगे, एंड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको करके चलना है दोस्तों, क्योंकि ये भाई पहला मैच है। और भाई मैंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सारे के सारे युवा प्लेयर होंगे, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जिम्बाब्वे की तरफ से दोस्तों ट्राई करना है या पाकिस्तान टीम की तरफ से। और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको पता है कि अहम भूमिका निभाते हैं भाई मेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में, तो भाई उनके बारे में बात करेंगे जिनका सिलेक्शन कम होगा और वो दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग भी जितवाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर सकते हो दोस्तों। एंड फिलहाल जो है लास्ट टाइम के अपडेट के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इस प्रकार का, क्लिक करिए दोस्तों। फाइनल अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो जहां पे टॉस के बाद आपको फ्री में मेगा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की हमारी टीम देखने को मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे क्वीन स्पोर्ट क्लब बुलावायो का, जो दोस्तों ये स्टेडियम रहने वाला है, यहाँ पे क्या आंकड़े हैं दोस्तों, कितना स्कोर बनता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों या बॉलिंग फ्रेंडली, स्पिनर या पेसर किसको ज़्यादा विकटें मिल सकती हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे स्टेडियम की बात करें तो गाइस ODI मैचेस में आपने देखा कि ये पिच कहीं ना कहीं बैटिंग के फेवर में थी, स्कोर काफ़ी ठीक ठाक बना है। हालांकि दोस्तों T20 फॉर्मेट है, फिर भी कहने के दोस्तों यहाँ पे 150 से 160 180 तक का एवरेज स्कोर आप मान के चल सकते हो गाइस, ठीक है, क्योंकि स्टेडियम की जो भाई बाउंड्री लेंथ है उतनी लंबी नहीं है। हालांकि टोटल यहां पे जो मुकाबले खेले गए 10, जिसमें कि जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करी उसने 5 मुकाबले जीते हैं और चेस करने वाली टीम दोस्तों यहां पे 5 मुकाबले जीते हैं। एंड दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 150 का स्कोर यहाँ पे 4 बार बना है, एंड 150 से 169 के बीच का स्कोर 5 बार, और दोस्तों 190 प्लस का स्कोर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 बार बन चुका है। हाईएस्ट स्कोर जो इस ग्राउंड पे बना दोस्तों वो कहीं ना कहीं 190 का है। दोस्तों इस ग्राउंड का सबसे लोवेस्ट स्कोर है 95 जिसपे टीम ऑल आउट भी हुई है। फास्टर और स्पिनर की बात करेंगे तो यहाँ पे फास्टर और स्पिनर दोनों ही बॉलर्स कंसिस्टेंट रहते हैं, तो दोस्तों इस ग्राउंड को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बनाते हो तो मैक्सिमम 2 से 3 बैट्समैन भी रख सकते हो। ऑलराउंडर दोस्तों कहीं ना कहीं इस मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको 1 से 2 खिलाड़ी रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं आज के इस मैच में जिम्बाब्वे के बॉलर्स एक्स्ट्रा फैंटेसी पॉइंट आपको दे सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट के कुछ मैचेस जो खेले गए हैं, हालांकि दोस्तों T20 फॉर्मेट यहाँ पे जो मैच हुआ है लास्ट वो 2022 को खेला गया था, जो कि जिम्बाब्वे और नीदरलैंड टीम के बीच में। जिम्बाब्वे टीम फर्स्ट बैट करते 132 का स्कोर, नीदरलैंड 93 रन पे ऑल आउट हो रही है। हालांकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखोगे फास्टर की, तो भाई यहाँ पे फास्टर को इस मैच में 11 विकेटें मिली थी और स्पिनर को दोस्तों यहाँ पे 7 विकेटें मिली थी, ठीक है। यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पे जो 95 हमने रखा है दोस्तों लोवेस्ट यहाँ पे 93 का स्कोर है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक। बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूजीएन टीम 102 और हांगकॉन्ग यहाँ पे 98, ये कुछ लोकल मैचेस लोकल टीम है जो कि इंटरनेशनल मैचेस काफी कम खेलती हैं, बट दोस्तों यहां पे इस मैच में भी 7 विकेट फास्टर को और स्पिनर को दोस्तों 7 विकेट मिली थी। तो कहने की स्पिनर और पेसर दोनों ही दोस्तों यहां पे कंसिस्टेंट हैं, कुछ मैचेस यहां पे मैंने रखे हैं वो आप लोग देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पिन बॉलर्स को हम ड्रॉप करके चलें या किसी भी पेस बॉल्स को ड्रॉप करके चलें, हालांकि सभी बॉलर्स को तो रख नहीं सकते, बट दोस्तों कुछ कंसिस्टेंट बॉलर्स जो विकेट टेकर बनेंगे उनको दोस्तों हम जरूर ट्राई करेंगे, बस आपको वीडियो देखना है ध्यान से। अगेन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हेड टू हेड मुकाबलों की, देखिए लास्ट 10 मैच का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे जो T20 फॉर्मेट खेला गया है, तो गाइस देखिए ये पहला मैच होगा जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से सारे के सारे युवा खिलाड़ी खेलने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड उतना मैटर नहीं करेगा कि पाकिस्तान ने 8 विन करें तो जिम्बाब्वे ने 2 विन करें फिर से पाकिस्तान विन कर सकती है, ये दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या था जो लास्ट के 10 मैचेस ओल्ड मैचेस खेले तो भाई पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जैसे खिलाड़ी भी यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। लास्ट के 5 मैच का अगर रिसेंट फॉर्म देखोगे टीम का, तो जिम्बाब्वे जो है लास्ट 5 T20 मैच अपने जीत करके आ रही है। पाकिस्तान की बात करें तो इस टीम का देखिए 3 लॉस है और 2
विन है। तो कहने की जिम्बाब्वे T20 फॉर्मेट में अच्छा करती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमें जिम्बाब्वे टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, क्या हो सकती है इस मैच के लिए, क्या बैटिंग ऑर्डर होगा। एंड देखिए यहाँ पे दोस्तों जो ओपनिंग होगी ना वो मैरू मैनी और बेन बेनेट के द्वारा देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों देखिए बेन बेनेट के इनके थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं, वन नाउन या मिडिल पे भी बैटिंग कर सकते हैं। हालांकि खिलाड़ी बढ़िया है, देखिए ये खिलाड़ी ओडीआई में भी शामिल था बट बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे था। फिर डेन मेयर्स वन डाउन मिल सकते हैं, सिकंदर अजा आपको ऊपर बैटिंग करते नजर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है लाइनअप में रियान बल्स भी देखने को मिलेंगे, फिर क्लाइव मदंदे, वेस्ली मधुवीरे एंड पे मसक ज्यादा, रिचार्ड नगरवा, ब्रेंडन मौता एंड दोस्तों यहां पे ब्लेसिंग मुजरबानी, ठीक है ये लाइनअप इनकी रहने वाले हैं। जिनके पास दोस्तों अगर इनके मेन बॉलर्स देखोगे तो ये तीन तो रहने ही वाले हैं, बाकी उसके बाद देखिए पे मसक ज्यादा, ठीक है चार हो जाएंगे। फिर यहां पे सिकंदर रजा, रियान बल्स ये भी बॉलिंग करा सकते हैं, मेधवीरे के पास भी ऑप्शन होता है बॉलिंग कराने का। ओके गाइस एंड फिलहाल यहां पे स्टार्टिंग के ओवर की बात करेंगे तो आपको जो है मुजरबानी, रिचार्ड नगरवा, रियान बल्स बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं स्टार्टिंग में। एंड डेथ की बात करेंगे मुजरबानी, रिचार्ड नगरवा और सिकंदर रजा दोस्तों, ठीक है। एंड स्टैट्स रिकॉर्ड क्या है, रिसेंट कौन सा खिलाड़ी कैसा करके आ रहा है, किसको रखना है, किसको ड्रॉप करके चलना है। मैरी मैनी दोस्तों अगर आप देखोगे T20 फॉर्मेट रिकॉर्ड 27, 32, 13, 1 और 14, हालांकि उतना खास खिलाड़ी दोस्तों T20 फॉर्मेट में भी नहीं है, सिलेक्शन 35 है। ऐसा है कि अगर आप स्मॉल लीग या हेडवेट की टीम बनाते हो तो ट्राई कर सकते हो। मेगा ग्रैंड लीग में दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट बैट करते हुए ट्राई करोगे, थोड़ा सा यूनिक बन सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि ज्यादा रिस्क लेकर चलिए, अगर 2 से 3 टीम बनाते हो तो एक टीम में आप जगह दे सकते हो, एक दो टीम बनाते हो तो जहां तक ये रिस्क के खिलाड़ी होगा दोस्तों, ठीक है क्योंकि इसके आंकड़े उतने खास नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ब्रेन बेनेट दोस्तों 10, 9+0, 4+0 और यहाँ पे दोस्तों 26+0 एंड 55% सिलेक्शन है, क्योंकि ये खिलाड़ी कहने की T20 फॉर्मेट काफी बढ़िया खेलता है। फर्स्ट बैट करते हुए 14 मैच में 403 है दोस्तों, 33 का औसत चेस करते हुए फिलहाल दोस्तों 17 का औसत। हालांकि फर्स्ट बैट करते हुए मेगा ग्रैंड लीग का खिलाड़ी बन सकता है, फर्स्ट बैट करते हुए इस खिलाड़ी को देखिए बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर टॉप पे बैटिंग करता है या मिडिल पे भी आता है तो टीम में रखने लायक होगा। हालांकि दोस्तों अगर जैसे कि ओडीआई में हुआ डेथ में बैटिंग कर रहा था तो उस कंडीशन से फिर ड्रॉप करना बनता है। ओके गाइस अगर टीम में रखते हैं तो फिर भी आपको ये टीम जब जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करेगी तब ट्राई करना है। एंड दोस्तों डेन मेयर्स की बात करेंगे तो लेफ्ट बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म दोस्तों इनका कैसा है, 34 और 12, 65, 0, 23, 11% सिलेक्शन है, इस खिलाड़ी बढ़िया है T20 फॉर्मेट के लिए, आप देख सकते हो। फर्स्ट बैट करते हो 12 मुकाबले 283 रन और फिलहाल दोस्तों की 23 का औसत है, चेस करते हो 6 मुकाबले 125 रन 31 का औसत है। ये खिलाड़ी भाई मेगा ग्रैंड लीग में यूनिक और ट्रम्प कार्ड बनेगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि भाई इसका सिलेक्शन 11% है, ठीक है ध्यान रख सकते हो उस खिलाड़ी को और ये पहला ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होगा दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से। एंड सिकंदर दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, हालांकि देखिए कहीं कहीं T20 फॉर्मेट में बॉलिंग का चांस थोड़ा सा कम बनता है, 2 ओवर भी करते हैं, कभी कभी 3 भी करते हैं, क्योंकि रियान बल्स मेदवे जैसा खिलाड़ी भी है जो कि रियान बल्स बॉलिंग ज़्यादातर करता है तो फिर भाई इनके ओवर कट जाते हैं, ठीक है। 3 रन यहाँ पे 0+0, 0+0, 1+2, 8+0, 98% सिलेक्शन है। पाकिस्तान के खिलाफ में 6 मैच में 89 रन, 4 विकेट है, ग्राउंड पे 13 मैच है दोस्तों 11 विकेट है, 428 रन, 35 का औसत है। हालांकि खिलाड़ी कैप्टन के लिए तो सेफ ऑप्शन है, आप ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, टॉप पे बैटिंग करेगा और साथ साथ दोस्तों बॉलिंग का प्लस पॉइंट रहेगा इसके पास। एंड 5वें नंबर दोस्तों खिलाड़ी रियान बल्स जो कि बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि देखिए चांस उतना नहीं बनता है जितना आप एक्सेप्ट कर रहे होगे, बाकी इसके पास आंकड़े देखिए 42 मैच इसने अभी तक खेले, फर्स्ट बैट करते हुए 792 रन बनाए और 30 का औसत और 22 विकेटें भी निकाली हुई हैं, 68% सिलेक्शन है। सेकंड बैट करते दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी ने 30 मैच खेले, 500 रन बनाए, 22 का औसत और 28 विकेटें। एंड इनका जो रिसेंट फॉर्म है 19-0-3 और यहाँ पे 32+0, 29 रन और लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्पिन बॉलर से गाइस। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के खिलाफ उतनी अच्छी बैटिंग नहीं है, मतलब कि ज़्यादातर ये होता है फ्लॉप होता है, वीक बैटिंग करता है, 7 मैच में 77 रन, हालांकि 2 विकेटें हैं ग्राउंड पर, 7 मैच में 68 रन और 22 का औसत और दोस्तों 5 विकेटें, बाकी चांस दे सकते हो ऐसा नहीं खिलाड़ी को, क्योंकि दोस्तों अगर 15 से 20 रन भी बनाता है और एक आधा ओवर कराता है तो फिर एक विकेट मिल जाती है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस, क्योंकि थोड़ा सा सेफ खेलता है, देख सकते हो आप 29 और 32 और 19, मतलब इस प्रकार की अगर रन भी बनाएगा तो फिर कहेंगे आपको 30 से 35, 40 फैंटेसी पॉइंट देख करके चला जाएगा आसानी से। क्लाइव मदंदे दोस्तों थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते हैं, 4% सिलेक्शन है, हालांकि टीम में रखना है या नहीं रखना है, देखिए खिलाड़ी बढ़िया है T20 फॉर्मेट के लिए, लास्ट 5 मैच में दोस्तों 2 लंबी इनिंग भी है 29 और 37 की, हालांकि 3 मैच फ्लॉप भी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस खिलाड़ी के ऊपर कब रिस्क लेना, जब टॉप ओपनिंग दोनों को ड्रॉप करो तब दोस्तों, बेनेट और जो कि मेयर मनी दोनों को ड्रॉप करो दोस्तों, तब आप इस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लीजिएगा। हालांकि डेन मेयर्स तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड है दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वेस्ली मधुवीरे 0-25 से 1-43, 21, आप खिलाड़ी ये भी अच्छा खेलता है, हालांकि फर्स्ट बैट करते हुए ट्राई किया जा सकता है, 71% इनको लोग टीम रख रहे हैं दोस्तों, रिसेंट यहाँ पे 21-43, 25 और 1-0 गई। देखिए बैटिंग तो आ जाएगी और ये खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छे आंकड़े लेकर के चल रहा है, 7 मैच में 209 रन, 34 का औसत है, ग्राउंड पे 9 मैच में 217 रन, 27 का औसत है। यही एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता है, बट दोस्तों देखिए सामने में बताया कि नए प्लेयर रहेंगे उस टीम में तो कहीं ना कहीं अच्छा और भी कर सकता है, बट यहाँ तक अगर सिलेक्शन करने के लिए सोच रहे हो देखिए वेस्ली मधुवीरे फिर आप टीम में रखोगे तो फिर मदंदे को ड्रॉप कर सकते हो, रियान बल्स हो गया आपकी टीम में एंड सिकंदर रजा, फिर दोस्तों डेन मेयर्स तो रहेगा ही रहेगा, फिर
दोनों ओपनर को ड्रॉप करोगे तब दोस्तों कहीं ना कहीं आप फिर जो है यहाँ पे मैदवरी को अपने फैंटेसी टीम में लेकर के चल सकते हो दोस्तों। मसक ज्यादा दोस्तों बॉलिंग करते हैं, हालांकि इनके पास जो आंकड़े वो देख सकते हो, फर्स्ट बॉल करते हो 23 मैच में 13 विकेट, सेकंड बॉल करते हो 31 में 28 विकेट, लास्ट 5 मैच में इनके पास 3 विकेट है, पाकिस्तान के खिलाफ 5 में 2 विकेट, ग्राउंड पे 7 में 2 विकेट, 7 में 5 विकेट गए। टीम में रखना है या नहीं रखना है, देखिए स्पिन के लिए पिच अच्छी है, विकेट लेस तो मुश्किल लग रहा है कि विकेट नहीं मिलेगी, विकेट दोस्तों मिलेंगे जरूर, क्योंकि भाई सामने टीम में सारे के सारे नए प्लेयर है तो चांस बनेगा अनुभवी खिलाड़ी के, हालांकि उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है बट फिर भी दोस्तों टीम में आप चांस इस खिलाड़ी को दे सकते हो। ब्रेंडन माउथ दोस्तों लास्ट 5 मैच में इसके पास 2 विकेट हैं और खिलाड़ी सेकंड बॉल करते हो ज्यादातर कंसिस्टेंट होता है, विकेट निकाल लेता है, हालांकि चांस थोड़ा सा कम दे सकते हो। रिचर्ड नगर वो अच्छा खिलाड़ी है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन सकता है, ध्यान दे सकते हो, और खास करके इस खिलाड़ी के ऊपर आप भरोसा करिएगा फर्स्ट बॉल करते हुए, कम से कम दोस्तों 2 से 3 विकेट ये फर्स्ट बॉल करते हुए निकाल सकता है। एंड दोस्तों ब्लेसिंग मुजरबानी लास्ट 5 मैच में इसके पास भाई जो है विकेट वो 6 हैं और पाकिस्तान के खिलाफ 9 में 7, ग्राउंड पे 4 में 5, फर्स्ट बॉल करते दोस्तों इस खिलाड़ी के भी गजब के आंकड़े हैं। देखिए कहीं कहीं फिलहाल ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए और दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया रिचर्ड नगरवा, ये कहेंगे दोस्तों दोनों खिलाड़ी फर्स्ट बॉल करते हुए हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं। बाकी दोस्तों बेंच की बात करेंगे तो यहां पे आपको जिम्बाब्वे की तरफ से गुआंडू और मपोशा और यहां पे एफ अकरम मिलने वाले, कोई अपडेट होगा दोस्तों टेलीग्राम पे आपको बताया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। अब दोस्तों देखिए पाकिस्तान टीम की जो है कप्तानी करेंगे आगा सलमान, ठीक है, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में काफी अच्छा किया इसने, एंड फिलहाल ओपनिंग जो होगी उमर बिन यूसुफ, साहिब जद्दा फरहान, हालांकि देखिए इस टीम में भले ही नए नए प्लेयर हैं गाइस, कहीं ना कहीं तेज खेलने वाले खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हसीबुल्ला खान भी अच्छा खेलता है, उस्मान खान आपको पता है जो कि दोस्तों पीएसएल में कैसा खेलता है, हालांकि इंटरनेशनल मैचेस में उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, टी20 फॉर्मेट में कुछ ही इनिंग दोस्तों ऐसे होते हैं जिसमें कि हाईस्ट रन बनाता है। बाकी दोस्तों इरफान खान, आगा सलमान, अब्बास अफरीदी एक अच्छा बॉलर, आमिर जमाल आपने देखा ओडीआई में खेल रहा था, कासिम अकरम दोस्तों, मोहम्मद हसनैन एंड हैरी स्टोप, हैरी स्टोप भाई देखने को मिल सकता है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादातर बैटिंग लाइनअप जो है वो नए प्लेयर की है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए पाकिस्तान को अभी भी हमें कमजोर में नहीं समझना कि इस टीम से हमें कोई खिलाड़ी नहीं लेकर चलना, ऐसी गलती नहीं करना गाइस आपको, ठीक है। बाकी देखिए स्टार्टिंग में जो है आपको मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल और फिलहाल हैरी स्टोप जो है बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, जितने अब्बास अफरीदी, हसनैन और दोस्तों हैरी स्टोप आपको बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए हसीबुल्ला खान फिलहाल एक तरीके से नया प्लेयर, 4% सिलेक्शन है, रिसेंटली कुछ मैचेस देखोगे तो 24 और 12 इस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस है क्योंकि दोस्तों इसने जो मैचेस खेले ना भाई, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 24 और 12 रन की पारी, हालांकि खिलाड़ी कहीं ना कहीं स्मॉल लीग और हेटवेट की टीम में एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। और उस्मान खान दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 3 और यहाँ पे 52, 4, 38, 10 इस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है। खिलाड़ी फर्स्ट बैट करते हुए अभी तक गजब के आंकड़े लेकर के चले, देखिए पहले बैटिंग करते हुए इसने हाईएस्ट इनिंग खेली 38-52 की, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है, 86% सिलेक्शन है, तो फर्स्ट बैट करते हुए कन्फर्म लेकर चलना है, सेकेंड बैट करते हुए चाहो तो आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करें आगे यहाँ पे जो है फिलहाल दोस्तों यहाँ पे उमर बिन यूसुफ की गई, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक नंबरिंग में गई, थोड़ा सा मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए उमर बिन यूसुफ और साहिब जादा फरहान, यहाँ पे दोस्तों तीसरे और चौथे नंबर के प्लेयर मैंने बता दिए पहले, हालांकि ओपनिंग यहाँ पे उमर बिन यूसुफ और साहिब जादा फरहान के द्वारा देखने को मिलेगी, थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे होगा गई, ठीक है। उमर बिन यूसुफ जो कि ओपन करेंगे, खिलाड़ी तेज खेलने वाला है और ज़्यादातर दोस्तों आपको बता दूं अंडर 19 मैचेस जो चलते हैं पाकिस्तान टीम के, उस टीम में बढ़िया खेलता है, यहाँ पे 68 और यहाँ पे 21-25-7-7 का रिसेंट फॉर्म है। टीम में रखने की बात करेंगे, देखिए ज़्यादा चांस तो देखकर नहीं चलना, खास करके जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो तो फिर रिस्क लिया जा सकता है। बाकी मेगा ग्रांड लीग के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं इन नए खिलाड़ियों में से उस्मान खान एक बेस्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट बैट करते हुए, और इसके ऊपर रिस्क लीजिएगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में, वो भी दोस्तों फर्स्ट बैट करते हुए। साहिब जद्दा फरहान दोस्तों लास्ट 5 मैचेस में अगर आप देखोगे तो इसके पास 17 रन की हाईएस्ट नहीं है, बाकी फ्लॉप है, ज़्यादा चांस देकर दोस्तों आपको चलना नहीं है। एंड अगेन दोस्तों यहाँ पे मिलेंगे आगा सलमान, भाई रख लीजिएगा टीम में, कप्तानी करेगा, हालांकि टी20 के ज़्यादा मैचेस इसने खेले नहीं है, ओनली 2 मैचेस खेले जो कि रिकॉर्ड देख सकते हो, सॉरी 3 मैचेस, बाकी मैं ज़्यादा चांस नहीं देने वाला। एंड फिलहाल कैप्टन वाइस कैप्टन तो करना नहीं, देखिए बॉलिंग का जहां तक चांस बता दूं कि अगर बनता है तो फिर इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी तक इनकी जो लाइनअप है उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग कराएगा तो फिर रख सकते हो, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मत करिएगा। इरफान खान दोस्तों राइट बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट पेसर है, 64% सिलेक्शन है। अब दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म देखिए अच्छा है, इस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, जब टॉप पे मैंने बताया कि ज़्यादा सिलेक्शन आपको करके नहीं चलना, उस कंडीशन से फिर इरफान खान एक अच्छी पिक होगा मेगा ग्रांड लीग के लिए। कासिम अकरम दोस्तों देखिए बॉलिंग कराएगा तो फिर आगा सलमान के चांस कम बनेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने कहा कैप्टन वाइस कैप्टन मत करिएगा। 4% सिलेक्शन है, हालांकि इसने भाई जो 3 मैचेस खेले हैं, सॉरी 4 मैचेस खेले हैं, मतलब कि टी20 फॉर्मेट में, उसमें दोस्तों क्या हुआ है कि बॉल इसने सेकेंड करते हुए निकाली है, ठीक है, विकेट निकाली है। अब टीम में रखने की बात करें, स्पिनर चांस बन सकता है,
ले सकते हो टीम में। मोहम्मद हसनैन दोस्तों आपको पता है कंसिस्टेंट खिलाड़ी, दोस्तों फर्स्ट बॉल करते हुए 18 मैच में 16 विकेट हैं और सेकंड बॉल करते हुए 8 में 9 विकेट हैं, ठीक है। टीम में रखने की बात करते कि लास्ट के सभी मैचेस में विकेट निकाली इसने, भाई विकेट तो मिल जाएगी तो कन्फर्म है टीम में लेकर के चलना है। एंड अब्बास अफरीदी दोस्तों कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन है, खास करके जब पहले बॉलिंग कर रहा हो भाई तो वाइस कैप्टन या कैप्टन भी आप ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा पिक है, रिसेंट देखिए 1 विकेट 3 विकेट 2 और यहाँ पे 1-1। फर्स्ट बॉल करते हो 8 मैच में 17 विकेट, सेकंड बॉल करते हो 5 में 5 विकेट। आमिर जमाल दोस्तों उतना खास खिलाड़ी नहीं है, उतना ज़्यादा भाई इसका क्या है कि चांस नहीं बनता विकेट निकालने का, तो ज़्यादा रिस्क आपको लेकर के नहीं चलना। अब दोस्तों यहाँ पे जो मिला है आपको हैरी स्टॉप, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बैटिंग यार जो मैंने नंबरिंग करी गई ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ऊपर नीचे गई देखिए यहाँ पे, ठीक है ये थोड़ा सा नीचे पेज हो गया ऊपर हो गया, बाकी 11 खिलाड़ी दोस्तों मैंने बताया यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे हैरी स्टॉप की बात करेंगे तो भाई देखिए राइट एम फास्ट पेसन है, रिसेंट का क्या रिकॉर्ड है 0-4-1 और यहाँ पे 2-2, 92% सिलेक्शन है, खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन किया जा सकता है। अब्बास अफरीदी और हैरी स्टॉप फर्स्ट बॉल करते हुए आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। देखिए आज के इस मैच में सिकंदर रजा हो गए, हैरी स्टॉप हो गए एंड दोस्तों अब्बास अफरीदी हो गए, ये अच्छे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है। अगर आप उस्मान खान को ट्राई करना चाहते हो गए तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बैट करते हुए ट्राई कर सकते हो। आगा सलमान देखिए सभी लोग करने वाले हैं, हालांकि दोस्तों मैं उस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क कम लूंगा। एंड इवन दोस्तों यहाँ पे बेंच आपको मिलेंगे मुकीम और यहाँ पे जवेरिया खान, ताहिर, यहाँ पे तीनों ही खिलाड़ी बढ़िया हैं। कोई भी अपडेट होगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जाएगा। कॉमन सीवीसी देखिए आगा सलमान, रियान बल्स और सिकंदर अजहर लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे, हालांकि दोस्तों आपके पास अब्बास अफरीदी और हैरी स्टॉप जैसे खिलाड़ियों का भी ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। अभी के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सेफ टीम जो कि ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे, कैप्टन सिकंदर रजा, वाइस कैप्टन आगा सलमान को बनाएंगे। देखिए उस्मान खान, यहाँ पे फरहान को हमने ट्राई किया गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रियान बल हो गए, आमिर जमाल को चाहो तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा प्लेयर आप जैसे कि मेदवेरे वगैरह मैंने बताए, जो कि डैन मेयर्स मैंने बताया, ठीक है, जो कि सिकंदर रजा वाली टीम से जिम्बाब्वे से, तो उस खिलाड़ी को रखा जा सकता है। हैरी स्टॉप हो गए, मुजरब्बानी हो गए, नगरवा हो गए, अब्बास अफरीदी और हसनैन हो गए। अब देखिए जिम्बाब्वे अगर पहले बैटिंग करती गए तो फिर मैं अब्बास अफरीदी और हैरी स्टॉप के ऊपर सीवीसी का भरोसा करके चलूंगा, बढ़िया पिक होगी मेगा ग्रैंड लीग के लिए गए। अगर सलमान के ऊपर दोस्तों चांस मैं थोड़ा सा कम दूंगा, सिकंदर रजा के साथ जहां तक दोस्तों मैं मुजरब्बानी नगरवा को ट्राई कर सकता हूं जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, ठीक है। ये टीम का प्रीव्यू है, हालांकि इस मैच में 2-3 मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएंगी टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर, तो दोस्तों ज्वाइन करना आप लोग मत भूलिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद जय।